जहां भारत के पास क्रूज मिसाइल की बात करें तो 5000 किलोमीटर तक रेंज वाली क्रूज मिसाइल है और 8000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल पर भारत काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान जो कि 750 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल का जो उसका टेस्ट था लगातार दूसरी बार फेल हो गया। पाकिस्तान की बाबर 2 मिसाइल 750 किलोमीटर तक की रेंज है जिसकी पिछले 2 महीने में इसका दूसरी बार टेस्ट फेल हुआ। अगर पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्टों की माने जिसको पाकिस्तान ने बाहर नहीं आने दिया उस वक्त, लेकिन अब बाहर आ रही हैं कि 19 मार्च में पाकिस्तान ने बाबर 2 के परीक्षण की तैयारी की थी। पाकिस्तान को अपनी तैयारियों पर इतना यकीन था कि उसने अपने देश की मीडिया को भी नहीं बताया कि हम बाबर 2 का परीक्षण करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर फेल हो गया तो फिर मीडिया में किरकिरी होगी और पूरी दुनिया में किरकिरी होगी, वो अलग। तो पाकिस्तान ने बाबर 2 का प्रशिक्षण जैसे ही किया, उसके कुछ सेकंड के अंदर ही ये 14 किलोमीटर के अंदर सरफेस पे आ गई, ये गिरी और बाबर 2 का जो परीक्षण था वो 14 किलोमीटर के अंदर ही फेल हो गया। तो ये दिखाता है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कहाँ तक है। इसीलिए हमारे देश के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जब 500 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल दिखाता है तो भैया हमें डर है कि ये किसी दिन लाहौर से मिसाइल छोड़ के कराची को ना उड़ा दे या कराची से मिसाइल छोड़ के इस्लामाबाद को ना उड़ा दे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान भारत की बराबरी तो करना चाहता है हर चीज़ में, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान भूल जाता है कि पाकिस्तान भारत के सामने एक छोटा देश है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन बेहद कम है। पाकिस्तान पर टैक्स दुनिया भर का है, पाकिस्तान पर कर्जा दुनिया भर का है, और उस कर्जे के बावजूद वो अपने देश के लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान ना देके इस तरफ ध्यान देता है कि किस तरह से भारत के साथ हथियारों में बराबरी की जाए, जो पाकिस्तान की बेहद संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। जबकि भारत हमेशा से वो देश रहा है जिसने पहले कभी भी किसी पे भी आक्रमण नहीं किया, जिसने बिना उकसावे के कभी भी किसी पे हमला नहीं किया, और तो और भारत उन देशों में गिना जाता है जो हमला तभी करता है जब भारत पे पहले हमला हो। यानी कि भारत वो देश है जो पहले थप्पड़, जब तक सामने वाला हाथ नहीं चलाता तब तक अपना हाथ नहीं चलाता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो ये फितूर है हथियारों की रेस में भारत की बराबरी करने का, एक ना एक दिन उसको जरूर डूबेगा। अगर आज की तारीख में पाकिस्तान में बात करें तो लगभग 1000 कोरोना के मामले हो गए हैं और पाकिस्तान में उसके बचाव के लिए बिल्कुल भी एहतियात नहीं है। अब जाके पाकिस्तान ने लॉकडाउन शुरू किया है जबकि भारत ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। हालांकि कोरोना ऐसी भयानक बीमारी है कि सबको मिलकर इससे लड़ना होगा, क्योंकि भारत में भी इसकी जो संख्या है कोरोना के मरीजों की, अब वो फेस आ गया है जहां शनिवार में एक दिन में 60-70 मरीज बढ़े थे, रविवार में भी इतने ही, और अब सोमवार में देखने वाली बात होगी कितने बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब सुरक्षित रहें और चाहे किसी भी देश का कोई नागरिक हो, सबसे पहले कोरोना को हराएं, उसके बाद हथियारों की रेस में लगें। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।